गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 7 फॉर क्लास 2 एंड द सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश ग्रामर एंड योर बुक नेम इज़ ग्रामर टूर चैप्टर 3 द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ ए एंड द आर्टिकल्स। सो किड्स लेट्स स्टार्ट द आर्टिकल द। द इज़ यूज्ड बिफोर स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन। द का हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि द जो होता है वो भी हमें नाउन की तरफ ही इशारा करता है, और ये दोनों के साथ सिंगुलर और प्लूरल जो होता है दोनों नाउन्स के साथ यूज़ होता है। और इसका यूज़ हम कहाँ किसके पहले करते हैं, कहीं पे आपको स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नाउन दिखे, उसका नाम दिखे, पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। द इज़ यूज्ड विथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि द का जो यूज़ होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ होता है। वी यूज़ द व्हेन वी स्पीक ऑफ द सेम नाउन अगेन और वेयर देयर इज़ वन काइंड ऑफ इट। और द का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, जब हम किसी मतलब सेम नाउन या उसी की तरीके नाउन उसी के काइंड की नाउन के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द इज़ यूज बिफोर सम प्रॉपर नाउन। द का यूज़ कहाँ पे करते हैं, कुछ प्रॉपर नाउन के साथ भी यूज़ करते हैं हम। इट इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ, और यहाँ पे आपको कुछ नेम्स दिए गए हैं उनके साथ द का यूज़ किया जाता है। बिल्डिंग एंड मोन्यूमेंट्स, तो कहीं पे आपको किसी भी बिल्डिंग का नाम या किसी भी मॉन्यूमेंट्स का नाम दिखेगा तो आप वहाँ पर क्या करोगे, द का यूज़ करोगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है ताजमहल, तो ताजमहल के पहले हमने क्या किया है, द का यूज़ लगाया। क्यों द का यूज़ लगाया, क्योंकि ताजमहल तो एक ही ना है, एक पर्टिकुलर है, एक ही है, उसकी जैसा पूरी दुनिया में तो दूसरी जगह नहीं है, इसलिए हम द का यूज़ ताजमहल के पहले करते हैं। रिवर्स एंड ओशन, अब कहीं पे आपको रिवर्स के नाम दिखे या किसी ओशंस के नाम दिखेंगे तो वहाँ पर भी आप क्या करोगे, द का यूज़ करोगे। गंगा, तो जो हमारी जो गंगा जो रिवर है वो भी क्या है, एक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसके आगे हमने क्या किया है, यूज़ किया, द का यूज़ किया, क्योंकि ये स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है। हेवनली बॉडीज़, कहीं पर आपको जितने भी जो भी हेवनली बॉडीज़ के नाम आपको दिखेंगे तो उनके आगे आप क्या यूज़ करोगे, द का यूज़ करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सन, पूरी दुनिया में सन क्या है, एक ही है ना, सूरज तो एक ही है, ऐसा तो है नहीं कि एक दो चार है, हमारा सन कितना है, एक ही है, तो हमने इसके आगे किसका यूज़ किया है, द का यूज़ किया है। फिर हमारा क्या है, मून, मून भी हमारी हेवनली बॉडीज़ है, इसके भी आगे हमने द का यूज़ किया है। स्टार्स क्या है, स्टार्स भी हमारी हेवनली बॉडीज। नेक्स्ट इज एग्ज़ाम्पल आपका है, देयर वॉज अ फ्रूट सेलर, द फ्रूट सेलर सेल्स फ्रूट्स इन द मार्केट। तो यहाँ पे क्या है, देयर वॉज अ फ्रूट सेलर, तो एक फ्रूट सेलर था, वो क्या करता था, अपने सारे फ्रूट्स को वो कहाँ पे बेचता था, मार्केट में बेचता था। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि द के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, क्यों किया है, क्योंकि द का यूज़ हम वहाँ पर भी करते हैं जहाँ पर एक ही चीज़ के बारे में बार बार बात हो रही है। तो यहाँ पे फ्रूट सेलर की बात हो रही है ना, कि एक फ्रूट सेलर था, फिर दोबारा में उसको बताया गया कि वो जो अपना फ्रूट्स था, जो भी उसकी फल थे, वो उसको मार्केट में बेचता था। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने द के नीचे अंडरलाइन किया है कि द का यूज़ हम वहाँ पे भी कर सकते हैं जहाँ पर हमें एक ही चीज़ बार बार दिख रही है, मतलब एक ही चीज़ के बारे में हम बार बार बात कर रहे हो और वो एक ही काइंड की, एक ही प्रकार की हो, तो वहाँ पर भी हम द का यूज़ करते हैं। कुछ और भी मैंने आपको नीचे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आई होप आपको उस एग्ज़ाम्पल से थोड़ा और बेटर समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं हम आगे के एग्ज़ाम्पल्स को। पहला हमारा द सन इज़ शाइनिंग, तो आप देख रहे हो सन, मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि जितनी भी हेवनली बॉडीज़ होती है उसके आगे हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। और सन क्या है हमारा, सन एक ही है, सूरज तो पूरी दुनिया में एक ही है, और इसके आगे हमने क्या लगाया, द लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक है, पूरी दुनिया में एक सन अकेला है। तो जहाँ पर आपको पर्टिकुलर थिंग या स्पेसिफिक थिंग के बारे में आपको पता चल रहा हो तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, द का यूज़ करते हैं। सेकेंड हमारा है द ताजमहल इज़ इन आगरा, दूसरा हमारा है आप ताजमहल के बारे में बता रहे हैं कि जो ताजमहल वो कहाँ पर है, आगरा में है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि ताजमहल के पहले हमने क्या लगाया है, द लगाया है। क्यों लगाया है,
क्योंकि जो ताजमहल है वो भी पूरी दुनिया में एक है, और यानी ये भी एक स्पेसिफिक है, इसलिए इसके आगे हमने क्या लगाया है, द लगाया है। थर्ड हमारा क्या है, द अर्थ इज़ अ प्लैनेट। यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी जो हमारा अर्थ जो है हमारा वो एक क्या है, हेवनली बॉडीज़ है। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो हेवनली बॉडीज़ होती हैं उनके आगे हम क्या लगाते हैं, द का यूज़ करते हैं। और जो पृथ्वी है, एक ही पृथ्वी है हमारी, स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है, इसीलिए हमने क्या लगा, अर्थ के आगे हमने क्या लगाया, द लगाया। आई होप आपको आर्टिकल द अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।